यहाँ हम जो लड़ रहे हैं, एक गद्दार कौन है जो संविधान को नहीं मानता? जो भी फैसला हुआ है, जो भी ये सीए आया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आया है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब ये कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्रीमेंट है सारी कौमों के बीच, हिंदुस्तान के सारे रहने वालों के बीच में एक ट्रीटी है, सबको उसको मानना है। इसलिए हम जो बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं, हमें संविधान बचाना है और उन्हें संविधान का विरोध करना है। तो गोली मारो सालों को, ये बात तय करती है कि गद्दार कौन है। जो संविधान को नहीं मानता वो गद्दार है, या जो संविधान के लिए लड़ रहा है वो, जो संविधान के लिए लड़ रहा है वो गद्दार है। तो हम कहते हैं मारो गोली गद्दारों को, जो संविधान को नहीं मानते उनको मारो गोली। संविधान को जो क्या लगता है आपको, क्योंकि ढाई महीने से यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या लगता है सरकार? देखिए, आज का जमाना जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट का ही है, अपने हक को मांगने का है। कोई भी तशद्दुद, कोई भी ज्यादती कामयाब नहीं हुआ करती कभी। हम पूरा अमन तरीके से अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं, वो लेकर रहेंगे, ये कामयाब होगा। पूरी दुनिया में ये बात मानी जा रही है कि हम सही रास्ते पर हैं। जो हमारा एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ जो है उसको डरना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। मोदी जी ने, शाह साहब ने इसे अपना ईगो मैटर बना रखा है। सबसे बड़ी बात है ईगो मैटर बनाना, वरना उन्हें बात करना चाहिए सबसे। हम लोग इलाहाबाद की टीम से हैं। क्वेश्चन करोगे, क्या कहेंगे आप यहाँ, आप भी धरने पर हैं क्या? हाँ, मैंने इस धरने के बारे में तमाम इधर उधर की बातें सुनी थी और मुझे यहाँ के ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। कहाँ से आप? हाँ, मैं रोहिणी सेक्टर 22 से आया हूँ। मैं दिल्ली सरकार में लेक्चरर हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम पीसी बिमल है। मैंने सुना था कि यहाँ पर लोग घुसने नहीं देते, ऐसा करते हैं, वो करते हैं, हमला हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम यानी सैकड़ों धरना प्रदर्शन देखे, जातीय प्रदर्शन देखे, धार्मिक देखे। उन प्रदर्शनों में लूटपाट भी देखी और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और मैं सारे धरना प्रदर्शन को मैं करीब 3 घंटे से देख रहा हूँ। सभी लोग सभ्यता के साथ बात कर रहे हैं और सभी का आदर सत्कार कर रहे हैं। तो ये सारी अफवाहें जो मैंने सुनी थी वो आज मुझे सारी झूठी और बनावटी नज़र आई और मुझे इस बात का अफसोस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।